आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गरीबों, असहायों, पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए, लेकिन जनपद मैनपुरी में अधिकारियों कर्मचारियों की उदासीनता के चलते एक गरीब विधवा महिला पिछले एक साल से करहल तहसील मुख्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन पति की मौत हो जाने के बाद उसे आज तक कोई मदद नहीं मिली। परेशान गरीब विधवा महिला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। पूरा मामला जनपद के करहल तहसील क्षेत्र से जुड़ा है, जहां ग्राम गढ़िया आलमगीर निवासी महिला रेखा देवी के पति अनिल कुमार की असमय मौत हो गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते करहल तहसील मुख्यालय आकर विधवा ने किसान बीमा की धनराशि दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन विधवा महिला एक साल से करहल तहसील मुख्यालय पर अधिकारियों के चक्कर काट रही है, उसे आज तक सरकारी मदद नहीं मिली है। नौनिहाल बच्चों की बात कहते हैं, विधवा महिला ने प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। न्यूज 9 भारत के लिए मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? रेखा देवी। अच्छा, तहसील मुख्यालय पे आई, क्या है? मेरी फाइल योगी जी, अब मुझे एक साल हो गई, भगते भगते मेरी कोई सुन ना रहा है, मैं क्या करूं? मैं मजबूर आदमी, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मेरे घर से खत्म हो गए। योगी जी, मुझे मदद चाहिए आपकी, बताओ मैं क्या खाऊं, क्या कर सकते हैं, मेरे पास कुछ कोई उपाय नहीं है। अधिकारी को पास गई करहल तहसील में, फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो यही क्या है कि फाइल आपकी डालेंगे, जरूर डालेंगे, मगर मेरी कोई नहीं सुन रहा। कितने दिन हो गए? एक साल हो गई भगते भगते मुझे। काहे की फाइल है आपकी? ये किसान बीमा की मेरी फाइल है। तो कहाँ की रहने वाले हो? हम गढ़िया आलमगीर के रहने वाले हैं। मुझे मदद योगी जी यही चाहिए कि मुझे मेरे वाली बच्चन को कुछ मदद दो, मुझे मदद योगी जी यही चाहिए कि मुझे मेरे वाली बच्चन को कुछ मदद दो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।